वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, चैप्टर नंबर 8 की। सो इस एक्सरसाइज में अगर हम चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नेम इज़ पैरामीटर एंड एरिया। तो आपको यहाँ पे पैरामीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है एंड आपको टू मेन शेप डैट इज़ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का पैरामीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दी एक्सरसाइज, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैरामीटर ऑफ स्केयर क्या होता है, देखो हम सभी को पता है जो स्केयर है उसकी फोर साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इट मीन्स द पैरामीटर ऑफ स्केयर क्या होगा, हमारा साइड प्लस साइड प्लस साइड इक्वल टू फोर इंटू साइड, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो स्क्वायर है उसकी जो चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इन केस अगर हमारे क्वेश्चन में हमारी साइड मिसिंग हो, हमें पैरामीटर हमें ऑफ स्क्वायर गिवन हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के साइड इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर लगा के हम अपना साइड फाइंड आउट कर सकते हैं उस स्क्वायर की। सेकेंड है हमारा रेक्टेंगल, हम सभी को पता है रेक्टेंगल क्या है, क्लोज फिगर्ड है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। इट मीन्स हमारी जो लेंथ, ये देखो ये अपोजिट साइड है, इसकी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये दोनों क्या इक्वल है, अब 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के अपोजिट साइड है तो इक्वल है। हम क्या कहते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो हमें पता है रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। सो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, क्यों, क्योंकि हमारे क्या अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में। सो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इन केस अगर आपके क्वेश्चन में लेंथ मिसिंग है या फिर ब्रेथ मिसिंग है बट आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो अब आप ये फॉर्मूला लगा के लेंथ, या फिर अगर आपके क्वेश्चन में ब्रेथ मिसिंग है तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाई 2 माइनस लेंथ, अगर लेंथ गिवन है तो। इन केस अगर आपके क्वेश्चन में लेंथ गिवन है ब्रेथ मिसिंग है तो आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेथ, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, फाइंड द पैरामीटर। अब आपको यहाँ पे दो फिगर दी हुई है, आपको नेम नहीं दिया हो बट हमें पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। देखो यहाँ पे भी अगर ये 8 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 8 मीटर है। अगर ये 3 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 3 मीटर होगा, क्योंकि ये किसकी फिगर है, एक रेक्टेंगल की फिगर है। अब बी में है स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड इक्वल होती है। तो इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और पार्ट बी में फर्स्ट के हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड। सो हमारे क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है, 8, ब्रेथ कितनी गिवन है, 3। हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा, 22 मीटर। यहाँ पे मीटर गिवन है तो आपको मीटर भी जरूर लगाना है, अगर आप मीटर नहीं लगाओगे तो आपको हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। नाउ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, पैरामीटर ऑफ नेक्स्ट फिगर हमारा क्या है, स्क्वायर की है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। साइड कितनी है, हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 5 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे इस वीडियो का। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, यहाँ पे आपने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है जिसकी आपको लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 10 मीटर 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारे पास 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला पता है, लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेथ हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है। हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेकंड में हमारे पास कितना गिवन है, 12 मीटर और 10 मीटर, ठीक है। हमारे पास लेंथ, इट मीन्स लेंथ इज 12 मीटर एंड ब्रेथ इज 10 मीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ 12 है, ब्रेथ हमारे पास 10 मीटर है, तो 2 इंटू 22 करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 44 मीटर। सी पार्ट में क्या है, हमारे पास लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है और ब्रेथ हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। हमारे पास अगर हम आपस में प्लस करेंगे 15 इंटू 8
तो प्लस 8 तो हमारे पास 22 सेंटीमीटर आएगा। 26, 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 46 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, हमें साइड गिवन है। इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए फर्स्ट ए और बी, ए और डी करूँगी। जो बी और सी आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद फाइंड आउट करना है, बहुत ज़्यादा इजी है। हमें पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड, ठीक है। तो हमने 4 को हम 4 × 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, 4 × साइड, 4 × 4 सेंटीमीटर करेंगे, हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगेन ए बी एंड सी आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद करना है। डी की बात करें तो वहाँ पर 72 मिलीमीटर हमें साइड गिवन है। हम फॉर्मूला लगाएंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का, 4 × साइड कर देंगे, 4 × 72 मिलीमीटर हमारे पास आंसर कितना आएगा, 288 मिलीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वो सेकेंड थर्ड से डिफिकल्ट है तो और डिफरेंट भी है। क्यों डिफरेंट है, देखो अब हमारे पास क्या गिवन है, हमने फाइंड करना है साइड ऑफ स्क्वायर, बट हमारे पास पैरामीटर गिवन है। यहाँ पे हमारे पास ये जो 48 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है और 24 मीटर है, ये हमारे पास पैरामीटर है ना कि साइड है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही किया था, अगर आपके पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन हो या फिर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन हो और आपके लेंथ या ब्रेथ गिवन हो, तो आप उस टाइम पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। इसमें हमें क्या पूछा गया है, स्क्वायर का साइड फाइंड आउट करनी है। इन केस हमारे पास साइड हमने फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे इन क्वेश्चंस में और इसके आंसर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, हमारे पास 48 सेंटीमीटर, हम फॉर्मूला लगाएंगे साइड का, साइड इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। पैरामीटर हमारे पास कितना गिवन है, 48 सेंटीमीटर, हम 4 के से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। सेकंड में हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, 80 मीटर, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है साइड निकालने का, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो 80 मीटर डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। लास्ट है जो हमारा सी पार्ट है, डेट इज 24 मीटर। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 24 मीटर गिवन है, साइड का हमें फॉर्मूला पता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और 4 के टेबल में 24 कितने में आता है, 6 में आता, तो हमारे पास 6 मीटर हमारे पास साइड आ जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, लेंथ हमें 96 मीटर गिवन है और ब्रेथ हमें 64 मीटर गिवन है। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपने पूरे पार्क में जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसमें फेंस लगानी है तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो हम सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लगाएंगे, इसमें सिंपल है, आप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लगाओगे, रेक्टेंगल लगाओगे। जब आप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, ठीक है, कितनी लेंथ ऑफ वायर चाहिए जो कि वहाँ पे फेंस लगाने के लिए, ठीक है। सो हमारी स्टेटमेंट ऐसे बनेगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क हमारे पास कितना गिवन है, 96 मीटर, ब्रेथ हमारे पास कितनी है, 764 मीटर। हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास गिवन है 96 मीटर और ब्रेथ हमारे पास 64 मीटर गिवन है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके हमारे पास 320 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो लेंथ ऑफ वायर हमें कितनी लेंथ चाहिए, 320 मीटर चाहिए, ताकि हम पार्क के आसपास पूरा फेंस लगा सके, बाड़ लगा सके। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पार्क हमें गिवन है, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है और हमें लेंथ हमें गिवन है, डेट इज 24 मीटर। मैंने अगेन जो हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने किया था फॉर्मूला, उसमें मैंने आपको बताया था इन केस अगर आपको लेंथ या ब्रेथ मिसिंग हो। इस क्वेश्चन में हमारे पास ब्रेथ मिसिंग है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल माइनस, यहाँ पे हम ब्रेथ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, ये भी बिल्कुल सिंपल सम है। सो हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से होगी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पार हमारे पास 84 मीटर है, लेंथ हमें गिवन है 24 मीटर। अब हमने ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ। पैरामीटर हमें कितना गिवन है, 84 मीटर, लेंथ डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे और लेंथ हमें कितने गिवन है, 24 मीटर, माइनस करेंगे और हमारे पास ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 18 मीटर आ जाएगी।
अगेन अगर यहाँ पे ब्रेथ गिवन होता आपको लेंथ फाइंड आउट करनी होती तो आप यहाँ पे लेंथ लिखते और यहाँ पे ब्रेथ लिखते। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के, बट अगर एक बार आपको फॉर्मूला अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। अब 7 क्वेश्चन है, डेट इज़ लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है जो कि सिंपल ही है। सेकेंड क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इज अ प्लेयर है वो स्क्वायर ट्रैक पे, स्क्वायर शेप के ट्रैक पे जिसकी साइड क्या है 50 मीटर, वहाँ पे राउंड करता है। अब उससे पूछा गया है पहले कि कितने राउंड उसे कम्प्लीट लगेंगे अगर उसने 2000 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास पैरामीटर फाइंड आएगा उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, हम इससे डिवाइड करेंगे 200 मीटर, जो कि हमारा टोटल डिस्टेंस ऑफ रेस है। ये टोटल डिस्टेंस ऑफ रेस से हम कितना क्या कर देंगे, हम अपने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास नंबर ऑफ राउंड निकल आएंगे। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से होगी, साइड ऑफ स्क्वायर ट्रैक हमारे पास कितना है 15 मीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता है 4 × साइड डेट इज 4 × 50 200 मीटर, हमने टोटल डिस्टेंस वो कितने उसने रेस का करना कंप्लीट करना है 200 मीटर, अब उसे 2000 मीटर, बट अब उसे ये अगर उसने 2000 मीटर उसने पूरी रेस कंप्लीट करनी है तो उसे कितने राउंड लगाने पड़ेंगे उस स्क्वायर ट्राई के, तो हम 2000 को हम 200 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। अगर वो 10 राउंड लगाएगा तब वो 2000 मीटर रेस को पूरा कर सकता है। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डेट इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स, मैंने आंसर लिख दिए हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल सभी को फॉर्मूला पता है 2 × लेंथ + ब्रेथ होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का भी फॉर्मूला सभी को पता है डेट इज़ 4 × साइड। अब पैरामीटर ऑफ क्लोज फिगर की बात करें तो हम क्या करते हैं, माइंड मेड ऑफ लाइन सेगमेंट उसका क्या बनता है, पूरी साइड को हम क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, सम लिखेंगे इसके साथ इसमें। विद दिस आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, अपने नोट्स बनाओ और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।